लॉकर रूम में छोड़ दिया है। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। दोस्तों लगता है हमें इन चारों को पकड़ना पड़ेगा। किसको परवाह है, चलो और पकड़ लेते हैं जल्दी। हाँ, हाँ, ओए। हे, और मैं? तो क्या हम इन पुलिस को पैसे के लिए चुनौती देंगे? पास आने दो और फिर देखो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा। हाथ जमीन पे रखो, अपने सर के पीछे या कहीं और। डोनी हमें क्या कहना चाहिए? अरे यार कुछ भी करो, बस इन्हें डराना शुरू करो। ये अपराधी नहीं, ये तो जंगली है, पूरे पागल है। इतनी भी जल्दी क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये रंग मुझे पसंद नहीं आया, काला होना चाहिए था, मैं धोकर आती हूँ इसे। ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बवाल मचा रखा है, तुम निकल जाओ यहाँ से। हेलो कैप्टन क्रिस्टी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या सीन है? मुझे अभी उन चोरों ने घेर लिया था और उन्होंने मुझ पर कचरा फेंका, और ये सब पुलिस एकेडमी के मैदान में हुआ मेरे साथ। ओ, तुम वो बात कर रही हो। हम बिना किसी परेशानी के उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है फिर, अगर इस शहर में अपराध कम नहीं हुए तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। रुको, लेकिन यहाँ अधिकारियों की कमी है। तो नए अपॉइंट करो, लेकिन इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो। अरे मैं अब क्या करूं? नए अधिकारी कहाँ से लाऊं? मुझे इंटरनेट पर सर्च करना होगा। मुझे लगता है कि एरियल के पास कोई प्लान है। शायद वो मुझे प्रमोट करने वाली है, मैं तो स्टार ऑफिसर हूँ सबसे अच्छा। साथी अधिकारी, आज हमारी एकेडमी में कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। अंदर आ जाइए। हेलो दोस्तों। वाह, ये तो खूबसूरत है। जॉनी तुम तो कमाल के हो, कहीं घूमने चले? हाँ बिल्कुल चलेंगे। हे, यहाँ हो क्या रहा है? हाँ क्या बात है इवा, क्या बात है? टीना इधर आ जाओ, अगला कौन आने वाला है? सब गए मेरे हाथों से, मैं पुलिस वाला हूँ, अब सारे गुंडों की बजा डालूंगा। जैक जाकर बैठो। बैठ जाता हूँ अपने टीममेट्स के साथ। मैं हूँ ऑफिसर जैक, कैसे हो, सब ठीक चल रहा है ना? तुम कैसी हो? हाँ अरे वाह कितना क्यूट डॉगी है, कूची कूची, कैसे हो प्यारे डॉगी? हाँ अरे यार ये पागल लोग हमारी एकेडमी में आ कैसे जाते हैं? अभी एक और कैरेक्टर बाकी है, नेट कहाँ हो तुम? अरे यार यहाँ कितना बुरा हाल हो रहा, कितनी गर्मी है, इससे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ए, तुम सभी हंस किस पर रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी मेरे खूबसूरत बालों से जल रहे हो। आज से तुम दो दो काम करोगे, इस तरह तुम साथ मिलकर शहर को सुरक्षित रख सकते हो। ओ आओ ना, मेरे पास तो पहले से एक साथी है। डोगी दोस्त, मुझे किसी की जरूरत क्यों है? पहले डोनी और ईवा। अरे ओ बॉस, आप मुझे भूल गए क्या? मैं इस पागल के साथ क्यों बंध गई? अरे क्या बात कर रही हो तुम, अरे हम दोनों मिलकर सभी की बैंड बजा देंगे। बस करो, मैं यहाँ क्यों आई? और हमारी तीसरी जोड़ी नेट और एलिस। मेरे पास इतना कूल साथी है। बस बस करो, तुम मेरे बाल बिगाड़ दोगी आज तो, मेरे खूबसूरत बाल। सभी को पेट्रोलिंग करने के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको अपने साथियों के साथ की जरूरत पड़ेगी। यारों का डोगी, यारों का डोगी। ये कितना कूल है ना कि हम दोनों पेट्रोल करने के लिए एक साथ घूम रहे हैं। हाँ हम एक कूल टीम बनाएंगे। ओए मेरा पर्स कहाँ है? बाद में मिलते हैं दादी। ए, नहीं रुक जाओ। अरे नहीं, कोई है वो चोर, उस चोर ने मेरा पर्स और आईडीज ले ली, वो छीन कर ले गया, कोई तो उसे पकड़ो। चिंता मत करो दादी, हम उस चोर को पकड़ लेंगे, सबक सिखाएंगे। डोनी जल्दी करो, बड़ी जल्दी जल्दी। अरे वहाँ देखो चोर। रुको डोनी, हम सीधे नहीं भाग सकते। क्यों नहीं, यही तो चोर है। मेरे डॉगी को अब बाथरूम जाना है। हाँ सही कहा, हम डॉग को सुसु पोटी करवाने के बाद देखेंगे।
पागल लोग, चोर उधर भाग रहा है और तुम यहाँ खड़े हो। दादी प्लीज, हम अपने डॉग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है बड़ी, क्या तुम्हारा हो गया या और टाइम लगेगा? मैं बाथरूम नहीं जा सकता, अटेंशन में पार्टी नहीं होती मुझसे। ओह डोनी, वहाँ देखो जरा। कोई तो बचाओ मुझे, एक बूढ़ी औरत मुझ पर अटैक कर रही है। तुम ही बुरे हो, तुम्हें मेरा दांत नहीं चुराना चाहिए था ना? दादी ये आप क्या कर रही हो, आप लोगों पर अटैक नहीं कर सकती हो। उसे गिरफ्तार करो पहले, वो समाज के लिए खतरा है। तुम्हें हमला करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और तुम अब जेल जा रही हो। क्या सच में? यहाँ मैं अपने दांत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दादी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो पागलपन है, लगता है दादी असली चोर थी। उसका चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है। ओ कुत्ते, फिर से बातों करने जा रहे हो? यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, मुझे भूख भी लगी है। टीना, पता नहीं हम लोग ये कर भी पाएंगे या नहीं, चोर बहुत शातिर हो गए हैं। अरे टेंशन मत लो, तुम्हें हमारे लंच का बिल पे करना है, याद है ना? बोलो। तुम बोलोगी तो कुछ भी करूँगा, बिल्कुल कर दूंगा। बाप रे, टीना मेरे को बहुत दे रही है, लगता है मेरे से पट जाएगी। अब मैं उसे पटाने की कोशिश करता हूँ। जैक, सब ठीक तो है ना? हाँ। तुम एक आंख से ब्लिंक क्यों कर रहे हो? एक से क्या, तो दोनों से करता हूँ ना, अब ठीक है? क्या पागल है, क्या कहा तुमने? देखो मुझे कुछ मीठा खाना है, तुम ऑर्डर करोगे? अरे मेरे पास तो बस 20 रुपए ही है यार। क्या तुम अब एक लड़की को बिना कुछ मीठा खिलाए जाने दोगे? हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए अपनी ये गन दाव पर लगा दूंगा और इससे कुछ ले आऊंगा, ठीक है? तुम्हारे लिए तो गन क्या, कुछ भी दाव पर लगा दूं मैं। क्या बात है, फिर मैं एक और मिठाई ऑर्डर करूंगी। लेकिन टीना, हमें इस एरिया पर नजर रखनी थी ना, तो कैसे करने वाले हम लोग ये? भूल जाओ, हमें इस एरिया को पेट्रोल करने को असाइन किया गया था, लेकिन इससे अच्छा है कि हम कैफे से करें, समझे? सही कहा, सही कहा। क्या ये पुलिस शहर को सुरक्षित रख पाएगी? मुझे उन पर भरोसा है। हे एरियल। ओह, कैप्टन टाइलर यहाँ आ गया। सुना है तुम हार मानने की सोच रही हो, ये कितनी जल्दी हो रहा है। तुम देखोगे नहीं दोस्त, ये मेरी जगह है, यहाँ टॉप पे मैं हूँ। मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूँगा, समझी? चालाक सांप, मेरी जगह छीनना चाहते हो तुम, कोई चांस नहीं। चीफ, खुद को बचाओ, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तुमने सारे असाइनमेंट बिगाड़ दिए हैं, तुम्हें निकालने के लिए क्रिस्टी पहले से ही एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। ये हो ही नहीं सकता, ये क्या शोर मचा रखा है? यही है जो सब कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ एरियल, तुम ऐसा बिहेव कब तक करती रहोगी? तुम अपना काम कब शुरू करोगी? ये सब टाइलर का किया है, वो मुझसे पुलिस चीफ का काम छीनना चाहता है और मुझे बाहर निकालना चाहता है। उसकी भोली आंखों में झांक कर देखो तो सही एक बार, वो हर काम नियम के मुताबिक ही कर रहा है और इसीलिए उसे प्रमोशन लेने का हक है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस फोर्स की सेवा कर रहा हूँ और सारे ऑर्डर्स मान रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार लिमिट के बाहर हो गया एरियल, मेरा गेम ओवर हो गया। अब बस उन ऑफिसर्स पर उम्मीद टिकी है, उम्मीद है उन्होंने कुछ चोरों को पकड़ा होगा। ये इतनी धूल आ कहाँ से रही है? कार है छोरी। ओ हाय, तो क्या तुम हमसे कुछ खरीदना चाहते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, हम यहाँ चुराने आए हैं। तुम तो बहुत ही मजाकिया हो। मेरी बंदूक भी बहुत मजाकिया है, चल चुपचाप सारा माल निकाल, हमें और भी काम है। नेट जल्दी करो, हमें अभी दो और एरियाज कवर करने हैं। अरे ये तो काफी खूबसूरत है। क्या हुआ? मुझे खिड़की में कोई स्मार्ट लड़का खड़ा हुआ दिखा। अरे वो तो मैं ही हूँ। नेट सच में अभी खुद को घूरने का टाइम नहीं है, अभी हमारा और काम रहता है। तो क्या, मेरे बाल खराब हो गए हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत है, वही तो मैं कर रहा हूँ। एक मिनट, ये कौन है? तुम फिर से अपने आप को घूर रहे हो है ना? सच में लगता है वहाँ पर चोर हैं। एलिस, इस बार वो हमारे हाथों से निकल नहीं सकते। चलो रुको, उन्हें ढूंढते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, पहले तुम उन्हें खुद देख लो। जल्दी पैसे दे दो। हमने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम्हें पकड़ा गया है, अपने हथियार जमीन पर गिराओ वरना हम तुम्हें गिराएंगे।
तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? नेट, वो ग्रेनेड ले आओ। चोरों को पकड़ो जल्दी। अब यहाँ पर धुआं उड़ेगा। तुम हो, पकड़ लिया। यह हो क्या रहा है? मैं यहाँ काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, हमने सब कुछ देखा। मानना पड़ेगा तुमने दिमाग काफी लगाया। तुम्हें लगा कि हम तुम्हें मास्क के पीछे पहचान नहीं पाएंगे? अब तुम्हें जो कहना है थाने में कहना। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉस, हमने एक चोर को पकड़ा। ये महारानी जो आपके सामने खड़ी हैं, ये एक दुकान को लूट रही थी और हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कोई मेरी मदद करो और ये हथकड़ियाँ खोलो, वरना तुम्हारी तो देख लेना। सच में तुमने उसे क्यों पकड़ा है? ये सब क्या बकलोली चल रही है? एक तो मुजरिम को पकड़े और ऊपर से डांट भी हम ही खाएं। ये तो दुकान की मैनेजर है। तुम लोग इन्हें नहीं जानते हो? ये शहर के डिजाइन गुरु हैं। तुम पुलिस वालों ने मेरी सारी दुकान बर्बाद कर दी। पागल हो तुम सारे। अब सारा बिल कौन चुकाएगा? माफ कीजिए, हमसे बस एक गलती हो गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट में पैसे डालो अभी। समझ गए तुम? हमारा मकसद चीजें बिगाड़ना नहीं था। सब लोग क्लास में वापस आओ, हम ये सब सुलझा लेंगे। मगर अभी। तो ऑफिसर्स, बताओ ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? हाँ सही है, बस एक अफसोस है कि मैं अपराधियों को हथकड़ी नहीं लगा सकती, नेल्स खराब हो जाते हैं। टाइलर बाहर निकलो। लेकिन अब तो कैप्टन के लेक्चर का टाइम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन का लेक्चर चीफ के लेक्चर में बदल गया है। कमरे से बाहर निकलो। अरे बाप रे, लगता है इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है। ध्यान से सुनो, तुम लोग किसी काम की पुलिस नहीं, जो मन में आता है वो करते हो। अपना काम कब शुरू करोगे तुम लोग? जैक और मैंने तो अच्छा ही किया है। टीना के साथ डेट पर जाना भी एक बहुत अच्छी चीज है। मुंह बंद रखो पागल। मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख रही हूँ अभी। दो गलतियाँ और तुम अकेडमी से बाहर हो जाओगे। अरे नहीं, लगता है हमने उसे इरिटेट कर दिया। टायलर को बॉस बनना चाहिए था, वो कूल है। अब चलो भीड़ो ना बंद करो, क्यों ना हम सब चलकर एक पुलिस पार्टी करते हैं? अरे प्लान तो बहुत अच्छा है, चलो आज कुछ मजे करते हैं। अरे हम क्लास में अलाउड नहीं है, हमें डांट पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, क्या नहीं। देखो ये तो मुझे भूल ही गए। ये पार्टी तो फुल ऑन मस्त है, बड़ी मजा आ रहा है। हाँ ठीक ठाक है, मुझे यंग लोगों का म्यूजिक नहीं सुनना है, मुझे क्लासिकल करना है। पुलिस की पार्टी शुरू हुई है। बाप रे, मुझे तो टीना के साथ होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ? जल्दी से टीना के पास जाना होगा, कोई उसे पटा ले, उससे पहले मुझे उसे पटाना होगा। जैक चलो ना। नहीं, बाद में कहाँ जाओगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, मुझ पर भरोसा नहीं है, चलो नाचो। मुझे छोड़ दो, मुझे टीना के पास जाना है, छोड़ो मुझे यार। क्या ये नहीं हो सकता? नेट, तुम मेरे साथ चिपक क्यों रहे हो? सुंदर लड़कियों से चिपकने का तो मजा ही कुछ और है। तुम जानते हो, बेहतर होगा तुम पीछे हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे बाल उखाड़ दूंगी और तू पागल हो जाएगा। अबे रुक जा, चुड़ैल तेरी है। अच्छा तो कॉप को मजा आ रहा है, अब तो हमारी बारी है मौज करने की। चलो मौज पार्टी, जल्दी 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 से, लैब कॉप पार्टी कर रहे हैं, इस जगह को साफ करने का सही समय है। पुलिस वाले नाचने में बिजी, उनको क्या ही पता चलेगा। भूल गया, चलो अंदर चलो। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? हम फंस गए दोस्तों, मेरा बैग गायब हो गया, तुम सबको निकाल दिया जाएगा। अरे यार कुछ भी करो, बस इन्हें डराना शुरू करो। हो अच्छा, तो तुम सारे चोरों के पीछे थे? हाँ बिल्कुल, हमने अभी उन्हें भगाया। क्या सच में? अगर क्रिस्टी को पता चला तो तुम सबका तो खेल खत्म समझो। और मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे ऑफिसर का दिमाग खराब हो गया है? हाँ, हम यहाँ क्राइम को साफ कर रहे हैं और ये फिर भी हम पे इल्जाम डाल रहा है। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है बेवकूफो, अरियल को मैं डांटूंगी कि उसने तुम लोगों को बहुत छूट दे रखी है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं कहती हूँ तुम लोग तुरंत काम पे लग जाओ। ये क्या बकवास करके गई है, कितनी बढ़िया नींद आ रही थी यार मुझे, पूरी नींद ही खराब कर दी।
मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं एरियल को चीफ नहीं रहने दूंगा। जल्दी से सब लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाओ, हमें अभी के अभी कुछ सीरियस बातें करनी है। मिस एरियल, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। शूटिंग लाइसेंस के लिए गन लेकर आया हूँ। बहुत हुआ, मैं फिर से तुम सबकी रिपोर्ट लिख रही हूँ। क्यों मिसेज एरियल, हमने तो अपना काम अच्छे से किया है। तुम मेरी अथॉरिटी को अनदेखा कर रहे हो। ये क्लब पार्टीज का क्या सीन है? माफ करना हमें, फिर से ये नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्ट को अभी साइड कर देते हैं। चलो गन्स लेकर शूटिंग शुरू करो। उम्मीद है सबको पता होगा कि इसको कैसे चलाना है, बताने की जरूरत ना हो। बाप रे, मेरी गन तो मैंने दान कर दी टीना के लिए। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ओह, टिकटॉक वाली गन किस दिन काम आएगी। ठीक है, तुम्हारी गन्स में सॉफ्ट गोलियां हैं, बोर्ड पर टारगेट करके हिट करो। अब ये क्या हो रहा है? जी मैडम। तुम हाथों से शूट करोगे? नहीं, वो मैडम टिकटॉक पे मैंने लोगों को ऐसे ही शूट करते देखा तो सोचा मैं भी कर लूं। बाहर निकलो क्लास से, और गन खोने के लिए मैं तुम पर कंप्लेंट कर रही हूँ। ये तो बड़ी खराब बात है, मैं घर जा रहा हूँ यार। कोई मुझे नहीं समझता। वो चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। तुम मुझे पागल कर दोगे, बस टारगेट पर निशाना लगाओ। एक मिनट, तुम में से एक और कहाँ है? नेट? उसने कहा था कि वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। सच में तुम लोग बेकार हो बस। मैं फिर से तुम लोगों की कंप्लेंट करूंगी। ये दूसरी बार है तुमने फिर से ऐसा किया है। इस बार नहीं बचोगे, बाहर जाओगे। तंग आ गई हूँ मैं तुम लोगों से। ये क्या, वो हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? हमको कुछ करना होगा। एरियल को यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, कुछ करते हैं। मुझे लगता है मेरे पास पहले एक आइडिया है। वो पागल हो गई है, वो उसे जरूर निकाल देंगे। ये बहुत बुरा है, मुझे और कितने पढ़ाई करनी पड़ेगी। शावर लेकर रिलैक्स करती हूँ। सुपर ग्लू यहाँ लेकर आने का आइडिया जीनियस है। हाँ बिल्कुल, किसी तरह उस औरत को सबक सिखाना है। ठीक है, जल्दी करते हैं। चलो इन शैम्पूस को बदल कर चले जाते हैं। हाँ, एक मिनट। ये आवाज कैसी है? शायद इमेजिनेशन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ लड़कियाँ ये कर लें। टीना, कैसी हो तुम? नहाने को लाइन लगाई है क्या? जैक धीरे बोलो, हमारी पहचान खतरे में है, जाओ यहाँ से। अरे एक मिनट, मैं भी चलूंगा। देखो यार, चलते हैं ना कैफे में, आज भी खूब मजे करेंगे मिलकर हम लोग। और इस बार कैफे में क्या छोड़ोगे? तुम्हारे पास तो गन भी नहीं है। उसका अरेंजमेंट बाद में कर लेंगे, ठीक है? जैक, तुम्हें एक लड़की की अटेंशन को अर्न करना पड़ेगा। जैसे गेम में हम लोग पॉइंट्स अर्न करते हैं वैसी? हाँ कुछ ऐसा ही। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पेट डॉगी बन रहा हूँ, उसी की एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, देखो कैसा कर रहा हूँ। जैक बैठे रहो, लेट जाओ। क्या मजाक है? ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूँ, ये पागल जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? पागल कहीं के। ये तो एक ख्वाब है। क्या तुम यकीन कर सकते हो ये सब क्या हो रहा है? ये पागलपन है। क्या सच में अरियल ने ऑफिसर को ऐसे चिल्ला के डांटा? मुझे पहले से पता था कि वो ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। मुझे लगता है वो थक गई है, उसे एक ब्रेक की जरूरत है। सुना है तुम हार मानने की सोच रही हो, ये कितनी जल्दी हो रहा है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। पता नहीं, शायद वो इस तरह बदल जाए। ये क्या बकवास है? मेरे बाल मेरे हाथों से अलग नहीं हो रहे, लगता है जैसे चिपक गए हैं। सच में अब तो एरियल को हटा देना चाहिए। किसने किया ये? मेरे बाल ग्लू में फंस गए हैं, मैं हाथ नहीं हटा सकती। एरियल क्या बात हो गई, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुमने ये किया है? तुमने ही मेरा शैम्पू ग्लू से बदला है ना? मैं काफी टाइम से यहीं पे था पागल। मुझे पता है तुम मुझे हटाना
करना चाहते हो? बस भी करो आरियल, तुम पूरी तरह से लिमिट के बाहर हो गई हो। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या अब समझ आया तुम्हें? हाँ समझ गई, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, एरियल को ऑफिसर्स के पास जाने से रोकना चाहिए। अभी के लिए मैं उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर देती हूँ। टाइलर तुम टीम से बात करो। ओ ये, अब तो मैं चीफ बन के ही रहूंगा। चलो चलो वार्म अप करो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो। तो ठीक है ऑफिसर्स, वार्म अप के लिए तैयार हो? ओह कैप्टन टाइलर, लेकिन आज तो चीफ एरियल को होना था ना। एरियल आज छुट्टी पर है, लेकिन तुम सबको हमेशा की तरह प्रॉपर वार्म अप मिलेगा। ईवा जाओ ट्रेडमिल पर। ईवा, आखिरकार तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी। टाइलर तुम क्या कर रहे हो, मेरा हो गया है। अगर ऐसा है तो बुरे लोगों के पीछे कौन भागेगा? मैं। मुझे वो सॉसेज दे दो। क्यों ईवा? हे फुफू। ओ टीना वर्कआउट करते हुए कितनी सुंदर लग रही है। अबे इसकी तो एक बॉल भी नहीं पकड़ सकता। टीना मेरी मदद करो। लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मुझे सांस नहीं आ रही है, सीपीआर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैक कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे साथ ही क्यों? शिट, इस नेट के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं तुम्हें किस भी कर सकती हूँ। नहीं सांस आ गई अभी, सब ठीक है। तो दोस्त टीना के साथ क्या हाल है तेरे? आखिर इसकी कैसा हाल होगा? अरे वो तो मुझसे बात तक ठीक से नहीं करती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती है टीना। बस तुमने कभी किस नहीं किया। तुम तो लूजर हो। मेरी गलती नहीं है इसमें, बता रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि तुझे क्या करना चाहिए। देख तुझे बाप रे, अरे प्लान तो तगड़ा दिया है। टीना तुमने क्लास में हील्स क्यों पहनी है? हाँ क्या मतलब, मैं बिना हील्स के फंक्शन में नहीं जा सकती? मैं कभी स्नीकर्स नहीं पहनूंगी। अच्छा ठीक है समझ गया, फिर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ? टीना आ रही है, तेरे प्लान का इस्तेमाल करता हूँ, काम कर गया तो चांदी। तुम क्या मुंह देख रहे हो, चलो वार्म अप करो जल्दी। रॉनी का प्लान सही तो लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। और टीना भी तो नहीं है, क्या करूं? टीना ने जीना हराम किया हुआ है, कुछ करने ही नहीं देती है मुझे। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तुम लोग कौन हो? अरे अपन सेंटा क्लॉस का काम संभालते हैं। हम तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो फिर मास्क क्यों पहनते हो तुम लोग? ताकि बच्चे लोग हमें पहचान ना सके, समझे? देखो यार टीना मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात तक नहीं करती ठीक से। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है मुझसे। पता नहीं मैं उसके साथ क्या करूँ और कैसे सब करूँ। यहाँ कुछ कूल है, पुलिस के लिए परफेक्ट है। बाप रे, पुलिस का बैच। मुझे तो लगता है टीना इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। इसे जाकर तुम उस लड़की को दे दो, वो इम्प्रेस हो जाएगी भाई। लेकिन तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये मुफ्त है क्योंकि हम सांता के हेल्पर जो हैं। बाप रे, कितनी मजेदार बात है, टीना खुश होगी। ठीक है ऑफिसर, सबसे जरूरी बात क्रिमिनल्स पर नजर रखना और फिर उन्हें पकड़ लेना। ये लो आज का टेस्ट। इधर से चले जाओ बेवकूफ। तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम्हारे सर पे घोंसला कहाँ से आ गया? ग्लू के हादसे के बाद बाल काटने पड़े मुझे, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे ऑफिसर्स हैं। लेकिन तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। तुम क्या कह रहे हो, ये तो टेम्परेरी था। छोड़ो। अरे मुझे तो लगता है कि एरियल पूरी तरह से पागल हो गई। उसे कब तक बाहर निकाल देंगे? हाँ हमने कुछ नहीं किया, बस उन्हें सस्पेंड किया लेकिन बाहर नहीं निकाला। और अब टेस्ट लेंगे, याद रखना कोई चीटिंग नहीं करेगा। अरे यार मुझे तो भूख लगी है, चलो कुछ खाता हूँ। चलो खाते हैं। अरे वाह इसे खाकर मजा आ गया। चलो अब थोड़ा सा मीठा हो जाए। डोनी, तुम्हें किसने अलाउ किया लेक्चर में खाना लाने को?
माफ कर दो, मुझे तो बस भूख लगी थी। बस मैं कंप्लेंट लिख रही हूँ और एलन मस्क के रॉकेट की तरह तुम एकेडमी से बाहर निकलोगे। नहीं मुझे मत निकालना, ये मेरा सपना है पुलिस बनने का। तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करोगे, बाहर निकलो क्लास से। बेचारा डोनी, हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करो। अरे क्लास के लिए लेट हो गया, उम्मीद है मुझे अंदर आने देंगे। टीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। देखो मैं तुम्हारे लिए ये पुलिस का बैच लाया हूँ, देखो इसे। वाह कितना खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए है। ये कौन से मेटल में बना हुआ है, सोना है शायद? हाँ बिल्कुल सोना ही है वो, बहुत बढ़िया है ये तो, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो ले लिया। शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो क्या अब टीना तुम मुझे किस कर सकती हो? हाँ जरूर। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस किस का मुझे बेसब्री से इंतजार था। सोचना भी मत टीना। ओ वाओ टीना, तुम कितनी मुलायम हो, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह। बचाओ, इस बेवकूफ ने मुझे किस किया। जैक, बड़ी को और किस नहीं करनी है, उसे शायद अच्छा नहीं लगा। टीना तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भला? तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो टीना, तुम बुरी हो। ठीक है डॉगी, हमने क्लास स्किप कर दी है, क्यों ना हम लोग एक वॉक पर चलें? फिर हम सबको तुम्हारा नया अप्रोच दिखाएंगे। जाके करो, मैं जैक के जूते ढूंढने जा रहा हूँ। क्या सच में जैक ने तुम्हें ये दिया? हाँ, ये एक सुंदर ब्रोच है। नेट, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? क्या मुझे? तुम देने वाली हो? उसे तुम खुद ही रख लो। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ तुम लोगों को असाइनमेंट के लिए निकलना चाहिए। हाँ मैं भी यही बोलने वाला था सबसे। एक मिनट रुको, मैं बात करती हूँ। अरियल, तुम मेरी जानकारी के बिना ऑफिसर को क्यों निकाल रही हो? डोनी ने रूल्स तोड़ दिए, वो क्लास में खाना खा रहा था। तुम्हें क्या पता है? बैच तुम्हारे पास, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो किसी ने दिया है। ये बैच तो तुम्हारा है ना अरियल? ये तो मेरा है। तो तुम एक होनहार ऑफिसर को निकाल रही हो जबकि तुम अपने बैच का ध्यान भी नहीं रख सकती हो। लेकिन मुझे नहीं पता था। तुम अभी निकलो, तुम्हें थाने से सस्पेंड कर दिया गया है। मैं तो पूरी तरह से फंस गया, पता नहीं अब क्या होगा। और तुम अरियल, तुम्हें इस बैच के मामले में 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मेरा बैच ऑफिसर्स के पास कैसे गया। अब हमारा शेफ कौन होगा? और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए टाइलर को ही तुम्हारा मेंटर बनाया जाएगा। ये आखिर वो पल आ ही गया जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। ये तो सायरन है, कहीं पर अपराध हुआ है, चलो जल्दी निकलो तुम सब। जल्दी करो, और कितना सोना बाकी है वहाँ? अरे बहुत सारा सोना अंदर है यार। लैब कॉप्स पार्टी कर रहे हैं, इस जगह को साफ करने का सही समय है। अरे तुम खड़ी क्या हो, इसे पकड़ो। लो लगता है हम उसे नहीं दिख रहे। नहीं वो हमें नहीं देख रहे हैं, उनका ध्यान सोना चुराने में है। बड़ी चलो चलो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे नहीं, ये कैसे हो गया यार? लगता है कुछ छूट गया, हमने अच्छे से प्लान नहीं किया है। लो यार ये आखिरी था। यहाँ से जल्दी बाहर निकलो, तुम अब फंस गए हो। आखिरकार हमने उन गधे चोरों को पकड़ ही लिया। ये सब मेरी नाक की वजह से हुआ है, क्या तुम लोग उसे चेक कर सकते हो? गाइस हमें इन क्रिमिनल्स को चेक करना चाहिए। हाँ क्या मजाक है, तुम लोग मुझे समझ सकते हो? जरूर, 5 साल आखिर मैंने काम करने के बाद ये सीख लिया। अरे यहाँ पर तो इनके पास सर्टिफिकेट भी है जो कि टाइलर ने इनको दिया है, मतलब टाइलर इनका बॉस लगता है। गाइस ये तो हमारे चीफ हैं। टाइलर? तो इसका मतलब एरियल को बिना फालतू में निकाल दिया हमने। अबे ये तू कर क्या रहा है, चलो जल्दी से थाने चलते हैं। चलो इन्हें भी ले जाओ।
क्रिस्टी, हमें कुछ कहना है। तुम लोग फील्ड से इतनी जल्दी आ गए, सब इतनी तेजी से हो गया। देखो हमें क्रिमिनल्स के साथ क्या मिला है। इन पेपर्स में क्या है? देखो ये हमारे नए बॉस टाइलर के बारे में है। एक मिनट, ये क्या कह रहे हो? क्या वो सच में उनका ही काम चल रहा है, कोई मजाक नहीं? हम भी उतने ही शॉक्ड थे। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं टाइलर पर बहुत भरोसा करती हूँ। तो अपराधियों का क्या सीन है? चलो बताओ कि तुम उनका टॉप डॉग हो। क्या तुम्हें लग रहा है मैं धागे उछाल रहा हूँ? कॉप्स ने ये डॉक्यूमेंट ढूंढा है, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, समझ गया, ये तो कोई साजिश है, एरियल बदला लेने की सोच रही है। देखा, मैं भी यही सोच रही थी। ऑफिसर्स, तुम लोग अपना अपना काम करो और टाइलर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया क्रिस्टी, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ हूँ। हे कुत्ते, सुनना, क्या तुझे ट्रीट चाहिए? वुफ वुफ, अच्छी कोशिश है लेकिन ये मुझ पर नहीं चलने वाला, मैं एक गार्ड डॉग हूँ। ट्रीट। गधा कहीं का। ठीक है पागलों, अब खुश हो तुम? माफ कर दीजिए हमें मिस्टर टाइलर, हमने आपको धोखा दिया। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मैं एरियल का बैच चुरा के उसे फंसाने वाला था और जल्द ही चीफ का पद हासिल करने वाला था। तो ये हुआ था? ये हुआ? अरे तुम सब ने सब बिगाड़ दिया। ये सब होने के बाद अब कौन मेरे ऑर्डर्स को मानेगा बताओ? अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस्टी ये क्या कर रही हो, मुझे घोड़ा क्यों दिखा रही हो? कॉप्स ने जब मुझे बताया था मैं तभी सब समझ गई थी। लेकिन तुमने पहले मुझे सपोर्ट किया था, मैं ये सब नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती थी टाइलर। और क्या, तुम्हारा टेस्ट पास हुआ? हाउ शेम, और मैंने इस बंदे को ऑफिसर का चीफ बनाया था। ये क्या हो गया मैम? मैंने एक बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया है, जब तक मैं इसे हैंडल करती हूँ तुम लोग अरियल को बुलाकर लेकर आओ। चीफ एरियल। ओह गाइस, बडी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपका एकेडमी में वापस लेने आए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? टाइलर ही उन चोरों का बॉस है, हमारे साथ रहता था ताकि वो आगे निकल सके। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे उम्मीद है उसे उसकी सजा मिल जाएगी। सुनो ना एरियल, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? हम वादा करते कि अच्छे ऑफिसर बनेंगे और तुम्हारी लीड को ही मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं अब पुलिस में जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमने रियलाइज किया है कि आप सबसे अच्छे चीफ थे। मुझे नहीं पता गाइस, अब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है। आ जाइए ना, आपके बिना हम सभी अधूरे हैं मैम। प्लीज वापस आइए। ठीक है ठीक है, मैं वापस आऊंगी, डॉगी के प्यार को अनदेखा नहीं कर सकती मैं। पता था मेरी किससे कमाल होता है। ओह तो वही बात थी। ओहो, रैंडम आवाज का क्या सीन है। तुम्हें रिपोर्ट मिल रही है और तुम यहाँ से बाहर। तुम जादू कर लो। और अब कौन मेरे आपराधिक आदेशों का पालन करेगा बताओ? तो कॉप को मजा आ रहा है। हमें सबकी बजानी हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे बात कर रही थी? मैं नेट से बात कर रहा था और ये बीच में आके बोलती है तुमसे बात कर रही हूँ क्या, लेकिन तुमने बीच में बोला है क्यों था फिर? ओह गॉड, तुमने कहा कि तुम्हें नेट बहुत पसंद है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा। किसने कहा? इसी ने कहा था। बड़ी द डॉग। कौन चल रहा है ये? मोहल्ला मोहल्ला। हाँ बिल्कुल, अब आ चुके हैं बड़ी द डॉग। बड़ी द डॉग तैयार हो जाओ, आ गया है बड़ी द डॉग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है डॉगी, हमने क्लास स्किप कर दी है, क्यों ना हम लोग एक वॉक पर चलें, फिर हम सबको तुम्हारा नया अप्रोच दिखाएं। अरे कितना प्यारा डॉगी है, कूची कूची कुआ। ये बदबू मेरे से आ रही है। और ये ऑफिसर मेरे बिना जा रहा था।